इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आज भीम आर्मी के द्वारा जो खतौली उत्तर प्रदेश के खतौली में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत पर हमला हुआ था उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हुए हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आए हैं और भीम आर्मी के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, जंतर मंतर आज पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। देश के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों और जिलों से यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के खतौली में भीम आर्मी प्रमुख के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके विरोध में भीम आर्मी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए संगठन से जो लोग हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किससे जाएंगे, कहाँ से आए आप, किस जगह से आएंगे, क्यों प्रोटेस्ट करें, क्या वजह? बाबा साहब का जो मां पर निर्माण था वो क्या मांगे आप लोग, नैसर्गिक नहीं था, स्वाभाविक नहीं था। बाबा साहब की हत्या के धौलपुर से सर क्या मांगे, क्यों आए? हमारी मांगे है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जड़ प्लस सिक्योरिटी दी जाए और उन जो अपराधी आए हैं चार सामने, उनकी पूरी सीबीआई जांच की जाए, जिस वजह से उनके पीछे जो लोग छुपे हुए हैं वो सामने आ सके। हमें विश्वास है कि वो लोग जो पीछे छुप करके ये कांड करवा रहे हैं वो लोग सामने जरूर आएंगे अगर सीबीआई जांच होगी तो। और क्या क्या मांगे आप लोग, और बहुत सारी मांगे हैं जो भाई ने से कह रहे हैं, जे मांगों को हम पूरी करने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है यहाँ पर। तो क्या नाम है आपको? देवेंद्र मोर, कहाँ से आए हो? धौलपुर जिले। क्या मांगे आपकी, क्यों आए हो? हमारे भी यही मांग है, देश की सीबीआई जांच होनी चाहिए और भाई के लिए जेड सिक्योरिटी दी जाए। जब बागेश्वर धाम वाले को इतनी सिक्योरिटी दी जा सकती है तो चंद्रशेखर भाई के लिए क्यों नहीं? जब ढोंगी बाबाओं को सिक्योरिटी देने की सरकार कोशिश कर सकती है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जड़ प्लस सिक्योरिटी देने की मांग नहीं कर सकती, क्यों नहीं दे सकती? यहाँ पर अलग अलग मांगे हैं, तमाम युवा कार्यकर्ता जो भीम आर्मी संगठन से जुड़े हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भीम आर्मी प्रमुख को जड़ प्लस सिक्योरिटी दी जाए। जब देश में अन्य नेताओं को ऐसी सिक्योरिटी दी जा रही है तो भीम आर्मी प्रमुख को जड़ प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही? दिल्ली से निखिल कुमार, ईटीवी 12।